सर में दर्द हो, ये चाय पी लो, टांग में दर्द हो, ये चाय पी लो, पेट में दर्द हो, ये चाय पी लो, तो पाकिस्तानियों के अंदर खून नहीं है, चाय है, टेंशन हो रही है, चाय पी लो, खुशी हो रही है, चाय पी लो, फारिक बैठे हो, चाय पी लो, काम कर रहे हो, चाय पी लो, काम करके थक गए हो, चाय पी लो, हर ये नहीं हर बार सो के उठे हो, चाय पी लो, सोने वाले हो, सोने से पहले चाय पी लो, सो मेनी थिंग जिनके बाद और पहले आप चाय पीते ही रहते। यहाँ पे सीन ये है कि हम बहुत ही खुश हैं, पता नहीं क्यों, बिल्कुल ना प्लान होने के बावजूद भी ना लग गई है मशीन, और कपड़े यहाँ पे निकल आए हैं, मामा शॉल लेने वाली है, मैंने कल ले लिया था, और आई एम फीलिंग सो गुड एंड आई एम फीलिंग सो गुड एंड आई एम लुकिंग सो गुड एज वेल। मुझे लग रहा है ऐसा, आपको लग रहा है कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। हर जगह गन 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 पड़ा हुआ है, जेजी के टॉयज एज यूजुअल, और जेजी ने पानी की बोतलें भी निकाल ली हैं जो भरनी फिल्टर के पानी वाली, और वो लेके जा रहे हैं कहीं पे। मामा यहाँ पे आ चुकी हैं एंड मामा को कपड़े नहीं डिसाइड हो पा रहे, और मामा ने ऐसे कपड़े फेंगे, बिल्कुल मुझे फीलिंग आ रही है मामा आमना, ये आमना ने काम किया, ये नहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। हालां मामा ऐसे काम नहीं करती, बट अल्लाह माँ, अब मामा ऐसे कपड़े तलाश करने की कोशिश कर रही हैं जैसे कुछ मामा के लिए बहुत ही यू नो ऐसा क्राउन टाइप होना चाहिए, कोई शहजादियों वाले कपड़े होने चाहिए लेकिन एंड पे ना मामा जो पहनने वाली वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर तो मामा ने शेयर करने दिया, साथ में बाहर कपड़ों के हालात भी आपके साथ शेयर कर दूँ। बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत सारे खिलाड़े हैं, बहुत सारे काम हैं आज के दिन में, और हम बहुत ज़्यादा लेजी हैं। मामा लेजी, मामा नहीं है लेजी, देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा बर्तन हैं कि साइडों वाले मैं आपको दिखा नहीं सकती, और ये धुलने हैं अभी, मशीन लग चुकी है, कपड़े धुले जा रहे हैं, एक बैच धुल चुका है, और ये यहाँ पे सर्फ पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, और अच्छा मामा अल्लाह माँ ये क्या हमने गंदा सा कॉम्बिनेशन कर, नीचे मामा पहनी है स्कर्ट और ऊपर इतनी लंबी शर्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज फैशन, बट ये आप घर में पहनी है कहीं, आप फैंसी फैशन शो में जा रही हैं, बट हाँ प्लाजो, और वो जो इंडियन एक्ट्रेसेस ने आजकल पहना हुआ है पापराज़ीज़ उनको स्पॉट करते हुए, किधर बैठ हाँ कहीं जा रही है, मुझे लग रहा है आप कहीं जा रही है जेजी हमें बताने नहीं मामा कहीं जा रही है, जेजी तो वैसे ही तैयार है। अल्लाह ये क्या हो रहा है, तुम्हारे मूड स्विंग्स को क्या इशू है, एकदम हैप्पी एकदम अल्लाह, एकदम हैप्पी एकदम सैड एकदम कार्टून एकदम दूध, ये देख कह रहे मेरे पीछे आओ, सास भी कभी बहू थी, ये देखें इसे बॉटल यहाँ पे रख दी है ला के, और क्यों पंखा मिन मिन में बंद कर रही हैं मैम। यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप लगा लिया, साथ में अपना ये औजार भी लाए हैं एक, ये देखें पहले आंखें चेक होंगी, फीवर चेक हुआ, अच्छा अब आंखें चेक होंगी, ये देखें डॉक्टर साहब के रिएक्शन भी देखें आप साथ, ओए होए होए वाह वाह वाह, अब नोज चेक होगा कि सांस सही आ रहा है, अब कान चेक होंगे, अल्लाह कान की सारी मैल भी निकल आएगी, दूसरा कान चेक होगा, अल्लाह अगर कान सही भी हुआ तो कान खराब हो जाएगा, ये नहीं अब मेरा इलाज होगा। डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी है, इसको फीवर है, इसकी आंखों में दर्द है, इसके नोज को चेक करें, चूहे बहुत हैं इसमें, डॉक्टर साहब खुद ही भूल गए मेरा स्टेथोस्कोप कितना, इसको हमने बड़ी देर पहले ही ले दिया था डॉक्टर साहब, इसकी आप मामा की मामा की तरफ आया जी, डॉक्टर वाला मुंह उल्टी साइड का आ रहा वो कानों में, डॉक्टर साहब का स्टेथोस्कोप तो देखें, मक्का समझे ऐसे डॉक्टर है छोटा डॉक्टर।
मेरा चौथा शेरा डॉक्टर। तुमने डॉक्टर बनना है? अगर तो तुम्हें मैंने तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाना। नहीं मैंने नहीं तुम्हें डॉक्टर बनाना। आई डोंट लाइक डॉक्टर्स। आई डोंट लाइक डॉक्टर्स। बस डॉक्टर साहब थैंक यू चेक हो गया। इसको क्या है इसको चेक करते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरी आंखों में सारी चले बस डॉक्टर साहब ठीक है ओके। डॉक्टर आपने कभी नहीं देखा होगा इतना सीन। डॉक्टर अपने ही कान चेक कर रहे। डॉक्टर डॉक्टर का स्टेथोस्कोप जो है ना गले से ऊपर पहुंच गया अब कानों के अंदर नहीं जा रहा बेचारे के। ओए ना पागल है गंदे मुंह में डाल दिया। यहाँ पे है हमारा मज़ेदार किस्म का ब्रेकफास्ट। चाय है सबसे पहले तो हमारे पास साथ में। कल आपने देखा होगा हमने ऑर्डर किया था ढाका भैया बिरयानी। वहाँ से हमने चार नान मंगवाए थे और एक मामा मैंने खाया था। और इतना ये हैवी होता ना तो यानी तीन बचे हुए थे तो एक मैंने मामा को फ्राई कर दिया। मैं भी खा सकती थी लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना इनका ये कलवंजी ऊपर लगी होती है और ये थोड़ा मीठा मीठा टेस्ट करता नान इनका। खाने के साथ अच्छा लगता है लेकिन मुझे चाय के साथ नहीं अच्छा लगता। तो ना जौन सी मर्जी ले लो किसी में भी चीनी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर कलवंजी का फ्लेवर भी मुझे चाय में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने अपने लिए बना रही हैं पराठे मज़ेदार किस्म के। वन इज सर्कल्ड एंड द अदर वन इज स्क्वायर। सो हाँ मैंने भाई पराठा दिया इतना खुश होके खाया उसने। माशाल्लाह 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 कहता माशाल्लाह। हैंड दिखाओ। ये इसने पिए हैं ड्रॉप्स पिए हैं। ड्रॉप्स आज पिए अभी पिए कुछ देर पहले। आज हमें पता नहीं क्या हो गया था। हमने इतनी सफाइयाँ की हैं कि हम मुझे हैरान हो रहे हैं सफाइयाँ करने के बाद। इतनी हमने सफाई की है जितनी की जा सकती थी। फिर भी दो हाथों से कितनी सफाई की जा सकती थी। हम मामा के मुंह से सुनाती और सफाई भी दिखाती हूँ। कपड़े भी सारे धुल गए हैं बर्तन भी सारे धुल गए हैं सारे काम हो गए हैं। वॉशरूम धुल गया पूरा घर वॉश हो गया। वॉश नहीं हुआ सफाई हो गई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही ईजी फील कर रही हूँ। मैंने तो कल शार लिया था मेरा दिल चाह था गेम शार ले लूँ बट आई एम अ लेजी पर्सन। क्या अल्लाह वी आर समवेयर मैंने कहना था ओके। फ्रेंड मामा को मैंने थोड़ी देर पहले भी कोई मेरा वर्ड मामा के साथ मैच हुआ है दूसरा मैच हो गया अभी तो तीसरा मैच हो गया अभी ओके। उससे पहले था लेके आओ ओके कंगी तीन वर्ड लेके आओ कंगी और ओके। तो ये 3 घंटे मैंने कहा है मामा को कि 3 घंटे हमने इकट्ठे काम किया तो हमारी जो है केमिस्ट्री कितनी अच्छी हो गई है। तो वैसे तो हम 24 घंटे ही साथ होते हैं लेकिन एक दूसरे पर बात भी करनी पड़ी है 3 घंटे। फ्रेंड्स ज़्यादा हम किसी और जोन में जा रहे हैं। वैसे भी हम बातें करते हैं लेकिन इस तरह नहीं जैसे अब ये कर लेते हैं अब ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। मामा की लुक आपके साथ शेयर कर दूँ। मामा को ना बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है अपनी लुक दिखाने के लिए। ये है जी मामा की लुक और मामा को मुझ पर एकदम से गुस्सा आ गया। ये देखिए मामा के बाल छोटे से हो गए हैं। मामा ने भी कटिंग की है। ओ मामा की अपडेट एक नई मामा ने कटिंग की थी और मैं आपके साथ शेयर करना। मामा कह रही है अभी मैं और छोटे करना चाहती हूँ। आमना जितने अम्मा आपके मेरे जितने ही हैं कि मेरे से भी थोड़े से लंबे हैं। मामा को अभी भी लंबे लग रहे हैं। ये मामा ने स्कर्ट पहनी है और मामा अच्छी लग रही है कसम से सच्ची बात बताऊं तो। अब मामा कल शायद यही पहन के जाएंगे स्कर्ट नहीं यानी तैयार हो गई हो ना आप। अब बस मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने सो जाना सुबह उठ के मैंने बाजार चल पड़ना। मेरी आगे भी यही रूटीन है। बाजार किस दिन मैं मामा तैयार हो गई पैंटे पहन के जाती हूँ। मैं तो बस ऊपर शाल लूंगी ये यही ले लूंगी बल्कि इसके साथ वो जो मैंने ये लिया वो जो मैंने मैडम इसका दुपट्टा इतनी बड़ी चादर लेंगी दादी अम्मा वाली इतनी बड़ी कब है इतना
ये है जेजी ने भी शॉल लिया 3-2 घंटे और साथ में जेजी ने व्हाइट शर्ट पहन लिया, साथ में जेजी ने स्किन कलर की अपनी चनवन की आउटफिटर की पैंट्स पहन ली हैं। टाइज ओके, इसको टाइज देते हैं, जो टाइज भी समेटे ही गए थे ना, इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखे टाइज नहीं दूं, मामा के एक्सप्रेशन देखे, मामा और मैं ना इसके टाई से बहुत तंग है, लेकिन खरीद के भी हम दोनों ही फोर्स हाँ, और इसे फेंकने भी डरी है, इसको कहेंगे ना जमीन पे बैठ के खेल लो, इसने कहना नहीं अनिया अभी आओ, फिर हमें स्पेशली इसके ऊपर ही रखने पड़ते हैं। मैं ना इसको टाइज दे के आपके साथ बाहर के सीन्स ये करती हैं। देखें यहाँ से भी सही क्लीनिंग हो गई है, पहले मैंने बेडशीट सही कर ली थी, ये सही कर लिया था, सोफा कवर थोड़े बहुत खलारे उठा लिए थे, टॉयज मेट लिए थे, ये वाला कवर चेंज किया, पिंक से पर्पल किया, और फिर मामा ने टाट मार लिया, मैंने ब्रश मार दिया था। यहाँ पे भी कपड़े हैं, क्योंकि जब भी हम कपड़े धोते हैं इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, और कुछ हम खुद भी कर लेते हैं, ये भी धो लेते हैं, ये भी धो लेते हैं, अभी तो मामा का मुंह था, ये वाली चादर भी उतार के धो लें, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं अभी नहीं इसको धोना। यहाँ पे सारे कपड़े हैं, मेरे फ़ोन की लाइट ऑफ हो गई है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती, हर जगह कपड़े एंड ये देखे मशीन का ये जो कवर है ऊपर अभी रखना है, वॉशरूम भी सारा क्लीन है, आई कैन शो यू भी सारा क्लीन है, और ये मैट में जी यहाँ पे रखना है, अभी टाट मारा था गीला था, और ये देखें जी यहाँ पे सारे बर्तन भी धुल गए हैं, लाइट ऑफ हो गई है ना जो मेरे फ़ोन की। फ्रेंड इसकी बैटरी नहीं भी लो होती तो ये ऑफ हो जाती है, मुझे कमेंट्स में बताएं इसका कोई इशू है तो वो ठीक तो नहीं करवाऊँगी, कोई सेटिंग है तो वो बताएं मुझे। यहाँ पे जी के फीडर भी बॉयल हो गए थे, और एक मैं इसको दूध भी बना दिया, और एक इसका ना फीडर लीक हो गया, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जेजी का फीडर लीक हुआ, और मैंने आपको कहा था कि ये केयर और शील्ड जो है ना ये अभी भी नाकाम ही है, तब मैंने इतना शॉर्ट ही से नहीं कहा था, जिस वीडियो में कहा था उसका पहले तो यहाँ थंबनेल देखें, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया, मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं था इनके साथ, मामा का था, और मामा ने ही मुझे बताया था कि ये अच्छे नहीं होते फीडर्स, और अब मेरा दिल चाह रहा है कि जेजी के ना हम पुअर के 2-3 और फीडर खरीद लें, और थोड़े बड़े वाले खरीदें, क्योंकि इसने ना इसको तसल्ली नहीं होती, फिर ये थोड़ी देर बाद फिर दूध कहता है दूध अनिया दूध, तो जब एक ही बार बच्चा इकट्ठा पीता है तो ऑब्वियसली उसको अलग किस्म का फील होता है, जब उसको टुकड़ों में मिले तो अलग फील होता है। और फ्रेंड वैसे तो ना बड़ा फीडर है, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं आता, तो इसलिए आपको गंदा लग रहा होगा, बट ये गंदा नहीं है, और ये किसी होटल में हम गए थे बहुत ही अच्छे होटल में, वहाँ का इसको जूस डाल के दिया था तो इसके अंदर कलर आ गया था, और इसका मसला इन सिंपल वर्ड से गंदे का भी इतना मसला नहीं है, येलो कलर का वो तो हटेगा नहीं, लेकिन उसका मसला नहीं होता। ये देखें इसका निप्पल बहुत बड़ा हो चुका है, और ये हमें कहीं से मिल नहीं रहा, ये देखें आपको बकायदा नज़र भी आ रहा होगा, तो ये सारी चीज़ है, फिर तो हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे उबालेंगे, तकरीबन 3 मंथ्स हो गए इसको यूज़ नहीं किया, तो ये इसलिए ऐसे हो गया। अभी कपड़े हैं हर जगह कपड़े हैं, और ना कुछ दिन पहले तक मैं अपनी शर्ट ढूंढ रही थी जो कि मुझे मिल ही नहीं रही थी, और लास्ट टाइम हमने धोई थी ये मुझे पक्का याद था, और ये बस मुझे याद नहीं था कि मुझे ये भी याद था कि उसको मैंने डाला नहीं कहीं पे, और ना ही जब संभालने कपड़े कहीं पे उसको डाला, तो वो मिल ही नहीं रही थी, लेकिन जब आज कपड़े धुले हैं तो वो धुली हुई थी और वो मशीन में ही नीचे रह गई हुई थी, तो फिर मुझे बड़ा मैं पूरे घर में उसको ढूंढ के पागल हुई हूँ, लेकिन एंड वो देखे मिली कहाँ से है, इस मशीन के अंदर से, इसने ना मेरी शर्ट एब्जॉर्ब कर ली थी, वरना मिल तो जानी चाहिए थी। फ्रेंड मैं आपको बता ही देती हूँ कौन सी शर्ट थी, इन ट्राउज़र्स के साथ ही पर्पल ट्राउज़र्स हैं मेरे, ये जो आपने ग्रॉसरी वीडियो देखी थी ना 17 डेज की, यहाँ पे थंबनेल देख लें, उस वीडियो में जो मैंने शर्ट पहनी थी, मेरी फेवरेट शर्ट एक ही बार पहनी है, और ये ट्राउज़र तो मैंने बहुत बार पहन लिया जब का आया, आई लव दिस ट्राउज़र, वेरी कम्फर्टेबल, और यहाँ भी जेजी का बॉल आपको नज़र आ रहा होगा जिसे जेजी सालों बाद खेलता है, और ये फटा भी नहीं है, बच्चों का फट जाता है, जैसे तमीज़दार बच्चा है। यहाँ पे सीन्स हैं कि तकरीबन वीडियो मैंने बंद किया और आधा घंटा गुजरा, मामा बस लाइक कि मुझे भूख लग रही है, भूख लगनी भी चाहिए क्योंकि मामा ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, तकरीबन 2-3 बजे का ब्रेकफास्ट किया हुआ, और अभी टाइम हो रहा है, इतना काम करने के बाद ऑब्वियसली आपकी एक्सरसाइज होती है तो आपको भूख लग जाती है, ऐसे अगर काम ना करें तो ऑब्वियसली हम डिनर बहुत लेट कर रहे होते हैं, मुझे तो भूख नहीं लगी क्योंकि मैंने मामा के बाद किया था ब्रेकफास्ट, बनाया इकट्ठा ही था, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं हुआ था आज ब्रेकफास्ट, क्योंकि मेरी तबीयत उस टाइम ठीक नहीं थी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी, फिर मामा ने कहा कर लो ब्रेकफास्ट, शायद भूख की वजह से हो रही है, जब मामा ने कर लिया फिर उसके बाद मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, ब्रेकफास्ट किया था और उसका थोड़ा सा पराठा बचा हुआ था, और 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा हमने किया था ऑर्डर डाका भैया बिरयानी,
उसका थोड़ा सा नान पड़ा हुआ था, एक चिकन बिहारी या ग्रीन टिक्का पड़ा हुआ था, तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने मामा को गर्म कर दिया, सर में चाय बना ली, अपनी भी चाय बनाई है, क्योंकि थकावट के सर में दर्द हो रही है, चाय पी लो, टांग में दर्द हो रही है, चाय पी लो, पेट में दर्द हो रही है, चाय पी लो, तो पाकिस्तानियों के अंदर खून नहीं है चाय है, टेंशन हो रही है, चाय पी लो, खुशी हो रही है, चाय पी लो, फारिग बैठे हो चाय पी लो, काम कर रहे हो चाय पी लो, काम करके थक गए हो चाय पी लो, हर यानी हर बार सो के उठे हो चाय पी लो, सोने वाले हो सोने से पहले चाय पी लो, सो मैनी थिंग दिन के बाद और पहले आप चाय पीते ही रहते हैं, पाकिस्तानी, मोस्टली पाकिस्तानी, वैसे तो इंडियंस भी। तो ये है जी नान, ये है जी पराठा, और ये है जी बेचारा टिक्का, ये मेरी चाय है, ये मामा की चाय है, एंड चाय काफ़ी ज़्यादा हो गई है क्योंकि आमना ने बनाई है, और जैसे यहाँ पे बैठा हुआ फुल करीना कपूर की तरह अपना बास मामा और मामा यहाँ पे ब्लॉग देख रही हैं साथ, और अम्मा मज़ा आ रहा है, नान अच्छा गर्म हुआ, और चिकन कैसे गर्म हुआ, अंदर से गर्म हुआ, और पराठा जो मुझे पता अच्छा गर्म हुआ क्योंकि बाकायदा ऑयल भी निकल आया था उसके अंदर से, और मैं भी सो लूँ, मैं सो नहीं सकती फ्रेंड इस टाइम, क्योंकि अभी मैंने आपको टाइम बता दूं पहले, एक बज रहा है, एक बजे में दो मिनट हैं, और मैंने अभी इशा की पूरी नमाज नहीं पढ़ी हुई, वितर पढ़ना है, तहज्जुद पढ़नी है अभी नहीं, जिस फजर से थोड़ी देर पहले पढ़ूंगी, साथ में तस्बीहां पढ़नी है और नमाज पढ़नी है फजर की, फिर ही मैं सोऊंगी, ऐसे सो गई ना तो सुबह इतना रिग्रेट होगा ना कि फजर की नमाज नहीं पढ़ी, और फ्रेंड हमारा भला क्या सीन है, हम सो के नहीं उठ सकते फजर के लिए, अगर मैं चार घंटे पहले भी सो गई ना फजर से तो मैं नहीं उठ सकती, मामा भी इवन हमारे अंदर है ये चीज़, तो हम फजर पढ़ के ही सोना प्रेफर करते हैं क्योंकि फिर ना उठा जाए या कोई जितना मर्जी उठाए ना, तो वो नहीं बस शैतान आया होता कुछ आपको उस टाइम, आपको पता है नमाज के लिए कोई उठा रहा हो तो शैतान आपको लोरियाँ दे रहा होता है, आपको वो क्या बोलते हैं ऐसे 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 कर रहा होता, आपको ऐसे 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 कर रहा होता कि सो जाओ नाम सुकून से, और वो नींद भी कितनी अच्छी उस टाइम आ रही होती है पता नहीं क्यों, तो वो रिग्रेट होता रहेगा सुबह, तो ये तीन चार घंटे ही रह गए, तीन चार घंटे आपके अकॉर्डिंग आप तो दुरुस्त कह रहे होंगे, हम तो तीन घंटे सोकर फ्रेश होकर उठ के नमाज पढ़ लें, बट फ्रेंड्स हमारा ये सीन नहीं है, तो अब मैं नमाज पढ़ के सोऊंगी, बट अभी आपके साथ व्लॉग ख़त्म करती हूँ क्योंकि मुझ में और एनर्जी नहीं है व्लॉग बनाने की आज, और आज मैंने लेट स्टार्ट किया था, बट आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि कम्प्लीट हो गया आज ही, वरना जब दो दिन का इकट्ठा होता ना व्लॉग तो तब भी मुझे अंदर से इतना गिल्ट हो रहा होता ना कि दो व्लॉग्स बनने चाहिए ऑब्वियसली दो दिन में, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है, अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन ना भी आ रहे हों आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, तो ये सारे सीन हैं, आज का दिन बहुत ही अजीब था, बट आके एंड पे ख़त्म, दिन ख़त्म होने से पहले अच्छा थोड़ा बहुत हो ही गया, चाय पी लो, टांग में दर्द हो रही है, चाय पी लो, पेट में दर्द हो रही है, चाय पी लो, तो पाकिस्तानियों के अंदर खून नहीं है चाय है, टेंशन हो रही है, चाय पी लो, खुशी हो रही है, चाय पी लो, फारिग बैठे हो चाय पी लो, काम कर रहे हो चाय पी लो, काम करके थक गए हो चाय पी लो, हर यानी हर बार सो के उठे हो चाय पी लो, सोने वाले हो सोने से पहले चाय पी लो, अब सो जाए आप, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।